मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा ना? यस सर। Coming to the third lecture of electromagnetic waves, in which we will study about reflection and refraction of EM waves. Okay, अब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि कोई electromagnetic wave अगर किसी interface पे strike करती है तो वो कैसे behave करेगी। If we are अगर आप ऐसा इंटरफेस ले रहे हैं जो कि डायलेक्ट्रिक इंटरफेस है, ठीक है, एंड यू आर पुटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच इज नॉर्मल टू द इंटरफेस, हालांकि उसी का ले रहे हम लोग, ठीक है, नॉर्मल टू द इंटरफेस, तो उसमें होगा क्या कि जो आप इंसिडेंट वेव करेंगे तो कुछ पार्ट या कुछ एनर्जी ट्रांसमिट होगी और कुछ एनर्जी रिफ्लेक्ट होगी। दिस इज द केस, एक मीडियम है जिसका परमिएबिलिटी म्यू वन है, परमिटिविटी एप्सिलॉन वन है, इंट्रिंसिक इंपेडेंस थीटा वन है। देयर इज अनदर मीडियम व्हिच इज हैविंग परमिएबिलिटी म्यू टू, परमिटिविटी एप्सिलॉन टू एंड इंट्रिंसिक इंपेडेंस थीटा टू। तो ये दो डिफरेंट डायलेक्ट्रिक मीडियम है, दिस इज योर इंटरफेस। अब मैंने क्या किया कि आई एम नॉर्मल इंसिडेंट कर रहा हूँ वेव का, तो जब आप नॉर्मल इंसिडेंट करें तो जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट विल बी पैरेलल टू द इंटरफेस, ठीक है, इट विल बी पैरेलल टू द इंटरफेस, और यू कैन से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर विल बी टेंजेंशियल टू द इंटरफेस। ओके, तो अगर ई आर इज अ रेसिडेंट, ER is an incident and ER is the reflected part and ET is the transmitted part. ठीक है, तो this is the case. अब इसमें दो coefficients आते हैं, that is more important. एक आता है reflection coefficient, एक आता है transmission coefficient. Reflection coefficient. Reflection coefficient normally इसको हम लोग tau से denote करते हैं. This is tau, which is simply the ratio of the reflected wave upon incident wave. इलेक्ट्रिक फील्ड केस में इट इज सिंपली ER अपॉन EI, दैट इज रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। सिमिलरली फॉर मैग्नेटिक केस इट इज रिफ्लेक्टेड मैग्नेटिक फील्ड अपॉन इंसिडेंट मैग्नेटिक फील्ड, इट इज नोटेड बाय टाउ E, दिस इज नोटेड बाय टाउ H। ऐसे ही एक सेकंड कोफिशिएंट आता है, दैट इज नोन एज ट्रांसमिशन कोफिशिएंट। तो ये बताओ कि कितनी वेव आपकी ट्रांसमिट हुई है, इधर पाया जाता है, दिस इज नॉट बट टाउ, दिस इज ट्रांसमिटेड वेव अपॉन इंसिडेंट वेव। ट्रांसमिटेड वेव अपॉन इंसिडेंट वेव, कितनी मतलब सेकंड मीडियम में ट्रांसमिट हो गई अपॉन कितनी आपने इंसिडेंट की। सिमिलरली जैसे ऊपर किया था वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में इट इज नोन एज ईटी बाय ईआई, which is denoted by tau, tau E, ET by EI, that is transmitted electric field upon transmitted, upon incident electric field. Similarly, for the magnetic field case, it will be transmitted magnetic field intensity upon incident magnetic field intensity. So, ये दोनों coefficient ये हम बताते हैं कि कितनी एनर्जी आपकी ट्रांसमिट हुई और कितनी एनर्जी आपकी रिफ्लेक्ट हुई। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट आपको बता रहा है कितनी एनर्जी आपकी रिफ्लेक्ट हुई, एंड ट्रांसमिशन कोफिशिएंट ये बता रहा है कि कितनी एनर्जी आपकी ट्रांसमिट हुई दूसरे मीडियम में। ओके सॉरी, तो अगर फिगर में देखते हैं कम टू द फिगर, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ई आई इज नथिंग बट नीटा वन टाइम्स एच आई, इंट्रिंसिक इंपेडेंस टाइम्स एच आई, या नीटा वन इज नथिंग बट ई आई बाय एच आई। इंट्रिंसिक इंपेडेंस का फॉर्म बेसिक डेफिनेशन ये है, इट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, तो नीटा वन डिफाइन कर सकते हैं। ऐसे ही हम ये भी कर सकते हैं कि ई आर इज इक्वल टू माइनस नीटा वन बाय एच आर। माइनस इसलिए भी है कि रिफ्लेक्टेड की केस में आपकी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड विल बी अपोजिट टू द इंसिडेंट वन। ओके, ER विल बी माइनस नीटा वन एच आर, ठीक है। सेकेंड और मीडियम टू में
जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो होगा दैट विल बी द नीटा टू, दैट इज द इंट्रिंसिक इंपेडेंस ऑफ मीडियम टू. देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि ET इज इक्वल टू नीटा टू टाइम्स ST. ओके, नाउ यूजिंग दिस अब हम अप्लाई करते हैं बाउंड्री कंडीशंस, बाउंड्री कंडीशन टू दिस इंटरफेस. बाउंड्री कंडीशन क्या कहती है कि किसी भी डायलेक्ट्रिक डायलेक्ट्रिक इंटरफेस पे द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आर कंटिन्यूअस, या फिर टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आर कंटिन्यूअस. दैट मीन्स जितने भी टेंजेंशियल कंपोनेंट इंटरफेस की तरफ होंगे वो सेम टू सेम इंटरफेस दूसरी तरफ भी होंगे. तो अगर यहाँ पर इंटरफेस देखें तो इसके तरफ ई आई है, ई आर है, उस तरफ ई डी है. तो बाउंड्री कंडीशन में अप्लाई करें तो सिंपली ये कहते हैं ई आई प्लस ई आर विल बी इक्वल टू ई डी, ई आई प्लस ई आर विल बी इक्वल टू ई डी. सिमिलरली मल्टी फील्ड के लिए भी कह सकते हैं कि एच आई प्लस एच आर विल बी इक्वल टू एच टी, एच आई प्लस एच आर इज इक्वल टू एच टी. नाउ अगर इसी इक्वेशन में दिस इक्वेशन में नीटा वन का मल्टीप्लीकेशन करें, मल्टीप्लाई नीटा वन बोथ द साइड ऑन लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड, तो इट विल बी नीटा वन एच आई प्लस एच आर इन द ब्रैकेट प्लस इक्वल्स टू नीटा वन एच टी. ओके, नीटा वन एच आई हमें मालूम है, नीटा वन एच आई विल बी ई आई, नीटा वन एच आर विल बी माइनस ई आर. एच टी की जगह पर हम रख सकते हैं ई टी बाई नीटा टू, ई टी बाई नीटा टू. दैट मीन्स ई आई माइनस ई आर इज नथिंग बट नीटा वन बाई नीटा टू, नीटा वन बाई नीटा टू ई टी. ई टी की जगह पर अगेन बाउंड्री कंडीशन को रखें तो दैट विल बी ई आई प्लस ई आर. दैट मीन्स ई आई माइनस ई आर इज इक्वल टू नीटा वन बाई नीटा टू इन द ब्रैकेट ई आई प्लस ई आर. इसको रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट तो ई, तो ये सॉल्व होकर आएगा नीटा टू माइनस नीटा वन अपॉन नीटा टू प्लस नीटा वन. दिस इज द रिलेशनशिप फॉर रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इन द केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस व्हेन द देयर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म प्लेन में बाय अ परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक. ठीक है, तो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट आपका क्या होगा, इट विल बी सिंपली नीटा टू माइनस नीटा वन अपॉन नीटा टू प्लस नीटा वन. अब जरा देखते हैं ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट क्या होगा इसके, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट क्या होगा इसके. ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट हमने बाउंड्री कंडीशन देखी कि दैट इज ई आई प्लस ई आर इक्वल्स टू ई टी. अगर मैं यहां पर पूरी इक्वेशन को ई आई से डिवाइड करूं, इफ आई डिवाइड दिस एंटायर इक्वेशन बाय ई आई, यू विल गेट 1 प्लस ई आर बाय ई आई इक्वल्स टू ई टी बाय ई आई. ओके फाइन, नाउ यहाँ पर ई आर बाई ई नथिंग बट द रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट. इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं आपको 1 प्लस नीटा 2 माइनस नीटा 1 अपॉन नीटा 2 प्लस नीटा 1 व्हिच इज ई टी बाई ई आई. दिस इज नथिंग बट द रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड. फाइन, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको मिलेगा टाउ ई इक्वल्स टू नीटा टू प्लस नीटा वन ऊपर आ जाएगा प्लस नीटा टू माइनस नीटा वन होल अपॉन नीटा टू प्लस नीटा वन. तो नीटा वन कैंसिल, यू विल गेट ट्वाइस ऑफ नीटा टू अपॉन नीटा टू प्लस नीटा वन. दिस इज द रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, सॉरी रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट ऑफ द फॉर द केस व्हेन द देयर इज अ यूनिफॉर्म प्लेन मेड बाय अ परफेक्ट डायलेक्ट्रिक नॉर्मल इंसिडेंस. ठीक है, ये दोनों हमने निकाले इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में. अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड का केस निकालना है, फॉर द मैग्नेटिक फील्ड जो आपको प्राप्त हुए टो एच एंड टाउ, दैट इज एच आर बाय एच आई एंड दिस इज एच टी बाय एच आई.
ये निकालना हो तो इसके लिए दिस इज नथिंग बट माइनस ई आर बाई ईयर, दिस इज नथिंग बट माइनस ई आर बाई ईयर, और यू कैन से दैट इट इज नीटा वन माइनस नीटा टू अपॉन नीटा वन प्लस नीटा टू. And ST by HI can be calculated again by using the boundary condition. HI plus HR is equal to ST. Dividing the entire equation by HI, you will be getting 1 plus HR by HI is equal to ST by HI. Okay. Now, HR by HI is nothing but a reflection coefficient for a magnetic field. So, we have to substitute 1 plus Neta 1 minus Neta 2 upon Neta 1 plus Neta 2, and this ST by HI is nothing but tau of H. This is tau by tau of H, that is a transmission coefficient for the magnetic field. Isko calculate karenge to you will get tau H is nothing but twice of Neta 1 upon Neta 1 plus Neta 2. This is the transmission coefficient for the magnetic field case. It is twice of Neta 1 upon Neta 1 plus Neta 2. This is the reflection coefficient for the magnetic field case. It will be, reflection coefficient for the magnetic field case, that is Neta 1 minus Neta 2 upon Neta 1 plus Neta 2. Antar kya hai? Agar Neta 2 minus Neta 1 tha, this case is Neta 1 minus Neta 2 negative ho gaya. ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड केस में ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट वाज ट्वाइस ऑफ नीटा 2 अपॉन नीटा 1 प्लस नीटा 2. मैग्नेटिक फील्ड केस में इट इज ट्वाइस ऑफ नीटा 1 अपॉन नीटा 1 प्लस नीटा 2. ओके, नाउ वी विल सी द न्यूमेरिकल्स. जो भी देखा था उसको न्यूमेरिकल बेस पे देखते हैं. ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन जो आपको दिया है, दैट इज डिटरमाइन द एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड ईएमएच. अगर क्लास दोनों मीडियम्स के पैरामीटर्स गिवन है, यू हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. ओके, तो यहाँ आपके पास जो दो रीजन गिवन है, रीजन वन जो है दैट इज हैविंग एप्सिलॉन आर वन इक्वल्स टू 8, mu r1 equals to 1 and sigma 1 equals to 0. और जो region 2 है, that is nothing but free space. Okay, इसके अलावा question में कह रहा है कि incident wave is in the region 1. Okay, has EI equals to 1.5 volt per meter. आपके पास incident electric field का magnitude given है. ठीक है, और that is in the, और जो incident medium है, that is medium 1. Okay. आपको नीटा 1 और नीटा 2 दोनों मीडियम्स का इंट्रिंसिक इंपीडेंस मानना जानना बहुत जरूरी है. सो Neta 1 is nothing but it's under root mu 1 by epsilon 1. ये हम लोग second lecture में derive कर चुके हैं. ठीक है, तो mu 1 is nothing but mu r1 mu 0 and epsilon 1 is nothing but epsilon r1 upon epsilon r1 into epsilon 0. Under root mu 0 epsilon 0 की value हम मालूम, that is nothing but 377 ohm. That is for a free medium. Mu R1 by epsilon R1 will be under root 1 by 8. इसको calculate करें तो you will be getting 133.3 ohm. That means medium 1 का intrinsic impedance है 133.3 ohm. Now second medium is free space, तो उसका intrinsic impedance 377 ohm होगा. ये रहता है under root mu 0 by epsilon 0. अब रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज नथिंग बट नीटा 2. रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट क्या होता है, नीटा 2 माइनस नीटा 1 अपॉन नीटा 2 प्लस नीटा 1. अगर इसको मैं इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे रिफ्लेक्टेड मिलेगी. ठीक है, सिंपली इस फॉर्मूले में नीटा 2 की वैल्यू होती 377, नीटा 1 133.3, सिमिलरली नीचे 133.3 प्लस 377, एंड ईए की वैल्यू आपके पास गिवन थी 1.5 वोल्ट पर मीटर, सब्स्टिट्यूट कर दिया एंड फाइनली कैलकुलेटेड, यू विल बी गेटिंग 0.716 वोल्ट पर मीटर.
This is the reflected electric field. Our transmitted part, that was also a formula for transmission coefficient, but that was 2 meter 2 upon meter 1 plus meter 2. That is was Et by Ei. The Et we have to simply reflection coefficient of formula into Ei. 2 meter 2 upon meter 1 plus meter 2 into Ei. That is equal to 2 into 377 upon 133.3 plus 377 into 1.1. So 1.5. तो ये कैलकुलेट करके आएगा 2.216 वोल्ट पर मीटर. तो आपके पास अब रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड रिफ्लेक्ट और ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ये डिटरमाइन द एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड ट्रांसमिटेड ई. ठीक है, ट्रांसमिटेड ई और ट्रांसमिटेड ई और रिफ्लेक्टेड ई आपको आ जाएगा. अब हमें निकालना है इंसिडेंट एच, रिफ्लेक्टेड उसको निकालने के लिए पहले हमें इंसिडेंट एच भी जानना जरूरी है, क्योंकि हमारे पास अभी क्वेश्चन में गिवन नहीं है. तो इंसिडेंट एच पहले काम तो करते हैं एच आई निकालते हैं. एच आई विल सिंपली क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन इंट्रिंसिक इंपेडेंस. So it will be EI upon meter 1, 1.5 divided by 133.3, first millimeter. So you calculate that I have 1.13 into 2 minus 2 amperes per meter. Now what is HI? So using HI and using the formula of the reflection coefficient and transmission coefficient, you can calculate HR and HT. Okay, first of all, let's calculate HR. HR? Reflection coefficient का formula इस वक्त नीटा वन माइनस नीटा टू अपॉन नीटा वन प्लस नीटा टू इतना अच्छा सब्सटिट्यूट कर आगे 133.3 माइनस 377 अपॉन 133.3 इनटू 1.13 इनटू 2 माइनस 2 ये कैलकुलेट करके आएगा माइनस 5.4 इनटू 2 माइनस 3 एम्पीयर पर मीटर. दिस इज द एचआर. ठीक है, नाउ ST. Again, transmission coefficient of formula is करेंगे transmission coefficient into EI. Transmission coefficient is nothing but 2 neta 1 upon neta 1 plus neta 2 into HI. 2 into 133.3 upon 133.3 plus 377. This whole into 1.13 into 10 to power minus 2. So finally calculate होता है 5.9 into 10 to power minus 3 ampere per meter. तो दिस इज हाउ, कि अगर आपके पास मीडियम के पैरामीटर्स हों, तो अगर आपके पास सिर्फ वन साइड की फील्ड मालूम है तो आप दूसरी साइड की फील्ड, रिफ्लेक्टेड फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड्स सारे निकाल सकते हैं. ठीक है, तो दिस इज हाउ वी विल बी यूजिंग द डिफरेंट फॉर्मूला व्हिच वी लर्न हियर. अब उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो हम देखेंगे कि इस पार्ट में किसी को कोई डाउट? रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रेक्शन फॉर द नॉर्मल इंसिडेंस, इसमें ट्रांसमिशन कोफिशिएंट एंड रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट न्यूमेरिकल, इसमें किसी को कोई डाउट हो तो वही पूछ सकता है. कुछ नहीं पूछना है. ओके, तो मैं इसके बाद अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज पॉइंटिंग वेक्टर. पहले पॉइंटिंग वेक्टर जानते हैं, फिर इसके बाद ऑब्लिक इंसिडेंस का केस देखते हैं. Before going to the case of reflection and refraction of electromagnetic waves in a dielectric or a oblique incidence, there is one more topic which we should cover, that is power and pointing theorem. Okay.
तो क्वांटम थ्योरम बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की पावर के बारे में डिस्क्राइब करता है, ठीक है। जैसे जैसे कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मीडियम में ट्रैवल करती है, बेसिकली वो क्या क्या रही है, इट्स सिंपली ट्रांसफरिंग ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू दी अनदर पॉइंट, ठीक है। तो मैक्सवेल इक्वेशन का यूज करके हम ये निकाल सकते हैं कि व्हाट इज द रेट ऑफ द पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कि वो कितनी स्पीड से एनर्जी ट्रांसफर कर रही है। ओके, लेट अस फाइंड आउट। तो मैं मैक्सवेल की इक्वेशन ये मालूम है कि कर्ल ऑफ ई दैट इज डेल क्रॉस ऑफ ई इज नेगेटिव म्यू डबल एच बाय डबल टी, दिस इज मैक्सवेल्स फॉर इक्वेशन। And the Maxwell's fourth equation is del cross of H equals to sigma E plus epsilon double E by double T. Okay, fine. अब मैं इस equation में दोनों side vector E dot word करूँ, ठीक है? In the Maxwell's fourth equation, E del cross of H is equal to sigma E square plus वेक्टर ई डबल सॉरी डबल ई बाय डबल टी। अब इसको एक्सपेंड करेंगे, यू विल बी गेटिंग वेक्टर एच डेल क्रॉस ऑफ ई प्लस डेल एच क्रॉस ऑफ ई विच इज इक्वल टू सिग्मा ई स्क्वायर, और ये वेक्टर ई अगर अंदर ले गए तो यू विल बी गेटिंग हाफ ऑफ एप्सिलॉन डबल बाय डबल टी ई स्क्वायर। ओके, अगर मैं आप यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को देखूं, तो यहाँ पर जो डेल क्रॉस ऑफ ई है उसकी जगह मैं मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। तो आई एम सब्स्टिट्यूटिंग द मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन व्हिच इज माइनस म्यू डबल एच बाय डबल टी डेल क्रॉस ई की जगह को। ओके फाइन, रेस्ट आपका डेल ई क्रॉस एच इज द सेम थिंग। नाउ अगर इस पूरी इक्वेशन को रीअरेंज करें और दोनों साइड का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का मैं वॉल्यूम एंट्री कर लूं, रियली मैं इस तरह से कर रहा हूं कि दिस पार्ट इज गोइंग टू द राइट हैंड साइड, ठीक है। यहां पर h माइनस म्यू डबल एच बाय डबल टी, दिस इज अगेन रिटन एज हाफ माइनस म्यू डबल एच स्क्वायर बाय डबल टी, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड से उठ के राइट हैंड साइड आ गया, ठीक है। यहां पर आ गया हाफ This is nothing but minus dipole by dipole t volume integral half epsilon e square plus half mu h square dv minus, ठीक है, sign change हुआ क्योंकि यहाँ पर negative था, ठीक है ना, there was a negative, therefore अब आपका right hand side negative होगा सारे, ये negative and volume integral of the sigma e square, और हमें ये मालूम है सिग्मा ई स्क्वायर इज नथिंग बट ओमिक पावर डिसिपेशन, दिस इज नोन एज ओमिक पावर डिसिपेशन। एंड अगर इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो दिस इज नथिंग बट हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी, एनर्जी स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये शो कर रहा है। हाफ म्यू एच स्क्वायर इज शोइंग द एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, माइनस डबल बाय डबल टी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस रेट ऑफ चेंज इन द ऑफ एनर्जी इन द मैग्नेटिक फील्ड, नेगेटिव साइन शो कर रहा है इट इज डिक्रीजिंग, ठीक है। तो कुल मिला के दिस पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड, और इसका डिक्रीमेंट देख रहे हैं प्लस द ओमिक पावर लॉसेस। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं दिस पर्टिकुलर वेक्टर इज नथिंग बट द पावर स्टोर्ड इन अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड।
Okay. This particular, this can again be replaced by a surface integral. By a surface integral, this called surface integral change by surface. You can replace this delta and put here ds. Surface integral change over there. So you will be getting surface integral E cross H ds. This E cross H is nothing but it is known as vector P, which is again a pointing vector. This is known as pointing vector, which is total energy stored in an electric field denote color. P, vector P, that is vector E cross vector H. ठीक है, इसको हम पॉइंटिंग वेक्टर कहते हैं और ये नेट पावर बताता है. मैंने अभी एनर्जी बोला, ये नेट पावर बताता है किसी वॉल्यूम से जो निकल रही होती है. तो अकॉर्डिंग टू दिस जो भी अपने ऊपर जो इक्वेशन कोई डिराइव की, दैट इज नथिंग बट पॉइंटिंग थ्योरम. जो कहता है कि पॉइंटिंग थ्योरम स्टेट्स दैट द नेट पावर फ्लोइंग आउट ऑफ अ गिवन वॉल्यूम V is equal to the rate of decrease in energy stored within V minus the conduction losses. Okay, तो अभी अपना निकाला, तो अपने जो half epsilon E square plus half mu H square, that was nothing but उसका minus delta double by double T था, that is the negative rate of change of the energy in stored in the electric field and the magnetic field. That means it's a negative power is equal to the rate of decrease in the energy stored within the V. वो energy stored है, normally electric field और magnetic field में ही store होती है. फॉर्मूले से निकल के जो आया, दैट इज इट इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड माइनस द कंडक्शन लॉसेस, जो हम लोगों ने वॉल्यूम इंटीग्रल सिग्मा ई स्क्वायर से निकाला था. दैट वाज एंड पोटेंशियल. ओके, और एक प्रैक्टिकल इक्वेशन आती है कि नॉर्मली हम लोग पी एवरेज निकालते हैं, दैट इज 1 बाय टी इंटीग्रेटिंग इट फ्रॉम 0 टू टी पी जेड टी डी टी. पी जेड टी मींस इट्स अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ ई एंड एच, वेयर ई इज अ फंक्शन ऑफ जेड एंड टी एंड एच इज अ फंक्शन आल्सो ऑफ जेड एंड टी. आपके पास कोई फंक्शन होगा कोसाइन या साइन या साइन वाला फॉर्म में, उन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, उसका टाइम पीरियड फ्रॉम जो भी उसका टाइम पीरियड होगा 0 टू टी इसको इंटीग्रेट करेंगे, नंबर पर टी से डिवाइड करेंगे, देन यू विल बी गेटिंग द एवरेज पावर ऑफ दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. दिस इज मोर प्रैक्टिकल फॉर्मूला व्हिच इज यूजुअली यूज्ड. हमको ज्यादातर मान जानना होता है कि एवरेज पावर किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कितनी होती है. ओके, किसी को पॉइंटिंग थ्योरम में कोई डाउट? किसी को कोई डाउट नहीं पॉइंटिंग थ्योरम में? नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, तो ऑब्लिक इंसिडेंस का केस देखते हैं जहां पर ये पॉइंटिंग थ्योरम अप्लाई हो रही होगी. लेट अस सी दैट. हम लोग देखेंगे कि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब वो इंटरफेस से ऑब्लिक इंसिडेंस करती है तो हाउ इट बिहेव. असल हम लोग देखा था कि वो नॉर्मल इंसिडेंस कर रही थी तो कैसे बिहेव कर रही थी. वी आर सीइंग द पॉइंटिंग थ्योरम. ओके, नाउ द वेव इज
giving a public instance to certain normals, कुछ एक्टर्स ठीक आवन से वो इंसिडेंट होगी. इन दैट केस ऑल्सो कि आपकी जो वेव रिफ्लेक्ट होगी वहाँ पर भी पावर कुछ रिफ्लेक्ट होगी, कुछ पावर ट्रांसमिट होगी. ओके, बस ऑनली द डिफरेंस इज दैट कि जो रिफ्लेक्टेड पार्ट होगा वो कुछ सर्टन एंगल से रिफ्लेक्ट होकर जा रहा होगा, और जो ट्रांसमिटेड होगा उसका एंगल कुछ डेविएट हो जाएगा. ठीक है, जैसे कि हम लोग ऑप्टिक्स में जानते हैं कि रेजोनेंस लॉ ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम द रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, तो वो नॉर्मल से डेविएट करती है. ठीक है, सिमिलरली ऐसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में मूव करती है तो इट्स मूव्स अवे और इनवर्ट टुवर्ड द नॉर्मल, डेविएट करेगी जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही होगी. इफ इट इज हैविंग अ पब्लिक इंसिडेंस, उन्हें कुछ एंगल से वो अगर इंटरफेस पे मिल गई. ठीक है, तो सबसे पहले चीज अगर ये मान लीजिए कि एक ईएम वेव है व्हिच इज इंसिडेंटली वहाँ इंटरफेस एट एंगल थीटा वन, और मान लीजिए कि जो ये रिफ्लेक्ट कर रही है दैट इज रिफ्लेक्टिंग विद एंगल थीटा थ्री द नॉर्मल, और जो रिफ्लेक्ट कर रही है जो दूसरे मीडियम में जा रही है मीडियम टू व्हिच इज हैविंग अ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट एसआरएन टू एंड उसका परमिटिविटी एसआरएन वन है, तो जो सेकेंड मीडियम में जा रही है तो वहाँ मान लीजिए एंगल कुछ थीटा टू हो. ओके, तो फॉर द ईएम वेव अगेन स्नेल्स लॉ यहाँ पर भी होता है. ठीक है, यहाँ पर स्नेल्स लॉ आपको डिफाइन करते हैं कि साइन थीटा वन अपॉन साइन थीटा टू. ठीक है, द एंगल ऑफ इंसिडेंट साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ refracted angle is equal to the under root epsilon 2 by epsilon 1. Epsilon 2 by epsilon 1 के under root के बराबर होगा. This is the Snell's law for electromagnetic waves for the wave traveling from one medium to the another medium. Okay, बाकी law of reflection यहाँ भी वही है जो हम लोग ऑप्टिक्स में यूज करते हैं कि angle of incidence is equal to angle of reflection. That means theta 1 will be equal to थीटा थ्री. ना ठीक है, तो आपका अब बात करते हैं यहाँ पर पावर की. ठीक है, तो पावर जो ट्रांसफर हो रही है किसी भी ईएम वेव में तो ईएम वेव यहाँ आ रही है दैट इज समथिंग व्हाट ई क्रॉस एच जो लोगों ने अभी क्वांटम थ्योरम और क्वांटम वेक्टर में कैलकुलेट किया था कि इट इज अकॉर्डिंग टू द थ्योरम कि वेक्टर ई क्रॉस एच ऑफ एनी वेव इज नोन एज पावर ऑफ दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. और जैसे कि मैंने यहाँ रखा है यूनिफॉर्म प्लेन वेव, यहाँ पर हम यूनिफॉर्म प्लेन वेव की बात कर रहे हैं, तो ई और एच दे विल बी ऑलवेज ऑर्थोगोनल टू ईच अदर. ठीक है, ई और एच हमेशा परपेंडिकुलर होंगे. इन दैट केस इट इज ई क्रॉस एच विल बी सिंपली द मैग्नीट्यूड ऑफ ई इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ एच साइन थीटा, एंड साइन थीटा इस केस में साइन 90 है तो वन होगा, तो सिंपली इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ई इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ एच. और मैग्नीट्यूड ऑफ एच इज नथिंग बट ई मैग्नीट्यूड ऑफ ई बाय नीटा, तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज ई स्क्वायर बाय नीटा. फाइन, तो कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिफॉर्म प्लेन वेव का इलेक्ट्रो यूनिफॉर्म प्लेन वेव की पावर कंटेंट इज नथिंग बट ई स्क्वायर बाय नीटा. ओके, अब यहाँ पर ये सर्टेन एंगल से इसके ऊपर इंसिडेंट हो रहा है दैट मीन्स टोटल पावर इंटरफेस पे नहीं जा रही है, कुछ एंगल से आ रहा है तो दैट मीन्स कुछ पावर उसकी रिड्यूस हो रही होगी. तो नॉर्मली हम इसका पावर कंपोनेंट भी निकालते हैं, तो पावर इंसिडेंट इन दैट केस विल बी सिंपली ई आई स्क्वायर बाय नीटा वन, जो कि मीडियम वन में है, कॉस थीटा वन. इसका जो कंपोनेंट जो इंटरफेस से पहुंच रहा है दैट विल बी पावर टाइम्स द कॉस थीटा वन. सिमिलरली द पावर रिफ्लेक्टेड विल बी इट इज अगेन इन द मीडियम वन, तो देयरफॉर ये हो जाएगा ई आर स्क्वायर अपॉन नीटा वन, क्योंकि मीडियम वन है तो नीटा वन लेंगे. कॉस थीटा थ्री होना है यहाँ पर होगा, और तो थीटा थ्री इज इक्वल टू थीटा वन, तो यू कैन राइट इट कॉस थीटा वन. ठीक है, दिस इज द पावर रिफ्लेक्टेड. नाउ ट्रांसमिटेड पावर की बात करें तो सेकंड मीडियम में गया दैट विल बी ई टी अपॉन ई टी स्क्वायर अपॉन नीटा टू कॉस थीटा टू. सेकंड मीडियम में आपका एंगल चेंज हो गया दैट इज रिफ्लेक्टेड एंगल दैट इज थीटा टू, दैट इज कॉस थीटा टू, ई टी बाय थीटा टू कॉस थीटा टू.
और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि जितना भी पावर जनरेट हुआ है उतना ही कंज्यूम होगा, ठीक है। तो आपके पास इंसिडेंट पावर क्या थी, 1/η1 E^2 cos^1, इट इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड प्लस रिफ्रैक्टेड, रिफ्लेक्टेड 1/η1 E^2 cos^1 प्लस 1/η2 E^2 cos^1, ठीक है। तो इंसिडेंट पावर इज इक्वल टू द रिफ्लेक्टेड पावर प्लस द ट्रांसमिटेड पावर। नाउ अब वहां से E^2/E^2 will be 1 minus eta 1 et square cos theta 2 upon eta 2 ti square cos theta 1, और eta 1 मालूम है इसका रेशियो ऑफ mu by epsilon, ओके। तो हमने जो दोनों मीडियम लिए थे वो दोनों की परमिएबिलिटी सेम थी, ओनली द परमिटिविटी वाज डिफरेंट। तो मतलब eta 1 को यहाँ पर देखो रिप्लेस कर सकते हैं जब कभी भी हम ऑब्लिक इंसिडेंस का केस लेते हैं तो वहां पर दो डिफरेंट केसेस बनते हैं, ठीक है। अब आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंटरफेस कर रही है, इट इज गोइंग इंसिडेंटली ऑन द इंटरफेस, तो उस वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड या तो इंटरफेस के पैरेलल जा रही होगी, ठीक है, जैसे कि ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज पैरेलल टू द इंटरफेस and magnetic field is perpendicular to the interface, या कुछ और angle से होगी, ठीक है। Electric field is parallel to the interface, और you can say that electric field is perpendicular to the plane of incidence, ठीक है। EI मतलब इस तरह से ये interface है तो ये EI है, this is EI, this is coming parallel to this, the striking parallel जा रहा, ठीक है। तो this is the case which is known as perpendicular polarization or horizontal polarization, जहाँ पर electric field interface के parallel, ठीक है, या electric field is perpendicular to the plane of incidence, okay। Second case जो बनता है where the magnetic field is parallel to the plane of incidence, ठीक है, parallel to the interface and it is perpendicular to the plane of incidence, or electric field का कुछ angle, ठीक है। तो this second case in which magnetic field is parallel to the plane of interface is known as parallel polarization or vertical polarization। अब पैरागेस देखते हैं कि when it is a perpendicular polarization, that means electric field आपका इंटरफेस पे एकदम पैरेलल आ रहा है, दिस कमिंग पैरेलल टू द इंटरफेस, एंड दैट के जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इंटरफेस के एकदम टेंजेंशियल होगा, इट विल बी टेंजेंशियल, चाहे वो ट्रांसमिट हो रहा हो चाहे रिफ्लेक्ट हो रहा हो या इंसिडेंट हो रहा हो, सबके सब टेंजेंशियल होंगे टू द इंटरफेस। तो सिंपली हम अगर बाउंड्री कंडीशन इम्पोज करें वेयर वी से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड आर कंटीन्यूअस, तो अब ये कह सकते हैं कि फॉर द परपेंडिकुलर पोलराइजेशन इज कि ई प्लस ई आर इज इक्वल टू ई ट्रांसमिटेड, ई इंसिडेंट प्लस ई रिफ्लेक्टेड इज इक्वल टू द ई ट्रांसमिटेड, ई आई प्लस ई आर इज इक्वल टू ई बी, ओके। यहाँ से फिर अगर पूरी इक्वेशन को ई आई से डिवाइड कर दे तो इक्वल टू ई टी बाई ई आई इक्वल टू 1 प्लस ई ई आर बाई ई। नाउ इस चीज को मैं यहाँ पर सब्सिट्यूट कर दू, दिस इज नथिंग बट ई टी बाई ई आई का होल स्क्वायर, दिस इज ई टी बाई ई आई होल स्क्वायर। यहाँ पर अगर मैं ई टी बाई ई आई का ये रिलेशनशिप सब्सिट्यूट करूँ, यू विल गेटिंग 1 प्लस ई आर बाई ई आई होल स्क्वायर, जस्ट इक्वेशन वही है, ई आर बाई ई आई होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस अंडर रूट एप्सिलॉन 2 बाई एप्सिलॉन 1 ई टी बाई ई आई का होल स्क्वायर, यहाँ पर ये आ गया cos theta 2 by cos theta 1, fine। Now, अगर मैं 1 को
लेफ्ट हैंड साइड लेके आ रहा हूँ, तो इट विल बी 1 माइनस दिस ई आर बाई ई स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट आस अंडर 2 माइनस आस अंडर रूट 1 प्लस ई आर बाई ई स्क्वायर cos स्क्वायर cos थीटा टू cos थीटा. नाउ इफ आई टेक इट एज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर it will be a minus b into a plus b, or you can say 1 minus er by ei into 1 plus er by ei. So second term 1 plus er by ei here, uske square se cancel ho jayega, you will be remaining yahan pe bachega, it will be 1 minus er by ei, and for yahan pe square ka ho jayega 1 plus er by ei. Now isko agar er by ei ke liye calculate kare, it will be under root epsilon 1 cos theta 1 minus epsilon 2 cos theta 2 upon under root epsilon 1 cos theta 1 plus under root epsilon 2 cos theta 2. I am solving this. ये ये हमारे ये वाला का बेस इसाइड है. तो सॉल्व करने का तो फाइनली ये मिले. This is nothing but the reflection coefficient. तो E. ठीक है. तो for the perpendicular polarization or horizontal polarization, the reflection coefficient is nothing but under root epsilon 1 cos theta 1 minus epsilon 2 under root epsilon 2 cos theta 2 upon under root epsilon 1 cos theta 1 plus under root epsilon 2 cos theta 1. ठीक है, ये relationship आ गया. अगर आपके पास reflection coefficient आ गया तो transmission coefficient आप simply 1 plus reflection coefficient से निकाल सकते हैं. Tau is nothing but 1 plus tau of E. ठीक है, सिंपली यस करो. तो ये आप यहाँ रखा डॉक्टर का अगला लास्ट चैप्टर बताइए 1 प्लस दिस. तो या इसको सॉल्व करेंगे सिंपली ये ऊपर आ जाएगा अंडर रूट एप्सिलॉन 1 कॉस थीटा 1 प्लस अंडर रूट एप्सिलॉन 2 कॉस थीटा 2 प्लस दिस. तो यहाँ पर ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो यू विल बी गेटिंग ट्वाइस ऑफ अंडर रूट एप्सिलॉन 1 कॉस थीटा 1 अपॉन अंडर रूट एप्सिलॉन 1 कॉस थीटा 1 प्लस अंडर रूट एप्सिलॉन 2 कॉस थीटा. ओके, so this is the transmission coefficient for the perpendicular polarization case. Okay, now the parallel polarization या फिर vertical polarization का case है. यहाँ पर क्या है कि magnetic field is parallel to the interface and it is perpendicular to the plane of incidence. तो इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज मेकिंग सम एंगल, ठीक है, वो इंटरफेस से कुछ एंगल बना पैरेलल नहीं होगा, दैट विल मेक सम एंगल एंड दैट एंगल विल बी इक्वल टू द थीटा 1. देयरफॉर अगर यहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का टेंजेंशियल कंपोनेंट निकालना है, ठीक है, तो सिंपली मैं कहूंगा ई आई माइनस ई आर कॉस थीटा 1 होगा, दैट विल बी द टेंजेंशियल पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड which is coming to the interface. Or as a transmitted part may be, ET cos theta 2 will be the tangential part of the electric field at the interface. अब इसको यहाँ से अगर मैं पूरी इक्वेशन को EI से डिवाइड कर दूँ एंड cos theta 2 से डिवाइड कर दूँ तो यू विल गेट ET by EI equals to 1 plus 1 minus ER by EI cos theta 1 by cos theta 2. Again, जो प्रीवियस इक्वेशन थी जहाँ पर ई टी बाई ई आई का स्क्वायर था वहाँ पर मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूँ इस एंटायर इक्वेशन को तो यू विल अगेन गेट ई आर बाई ई आई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस अंडर रूट एप्सिलॉन 2 बाय एप्सिलॉन 1 ई टी बाई ई आई का होल स्क्वायर था, ठीक है ना, वहाँ पर ये एक्सप्रेशन रखा 1 माइनस ई आर बाई ई आई का होल स्क्वायर एंड यू विल बी गेटिंग कॉस थीटा 1 बाय कॉस थीटा 2. अब इसका भी स्क्वायर होगा, अगर आप ET by EI का स्क्वायर रख रहे हो तो मेकिंग दिस स्क्वायर दिस होल विल बी स्क्वायर एट लीस्ट इट इज cos पर थीटा 1 अपॉन cos पर थीटा 2 और जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन था उसका cos थीटा 2 बाय cos थीटा 1 है तो दोनों कैंसिल आउट हो गए, यू विल गेट cos थीटा 1 बाय cos थीटा 1. ओके, नाउ फिर इसको इक्वेट किया, वन इस तरफ लेके आए, ठीक है, अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी का स्क्वायर इसको इक्वेट किया तो यहाँ पर ए प्लस बी बचेगा, दैट मीन्स 1 माइनस ई आर बाई ई आई इंटू 1 प्लस ई आर बाई ई आई तो माइनस हो रहा था इसके स्क्वायर कैंसिल होगा, यू विल बी गेटिंग 1 प्लस ई आर बाई ई आई
equals to under root epsilon 2 by epsilon 1, 1 minus ER by ER, cos theta 1 upon cos theta 2. Again, इसको ER by EI के लिए सॉल्व करेंगे, ठीक है? You will get the reflection coefficient, which will be under root epsilon 2 cos theta 1 minus under root epsilon 1 cos theta 2 upon under root epsilon 2 cos theta 1 plus under root epsilon 1 cos theta 2. प्रीवियस केस में यहाँ पर अंडर रूट एप्सिलॉन 1 था, यहाँ पर इस केस में इट इज अंडर रूट एप्सिलॉन 2 और अंडर रूट एप्सिलॉन 1 इधर आ गया, ठीक है? दिस इज अ चेंज इन द प्रीवियस दिस फॉर्मूला, ठीक है? तो दिस इज योर रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट फॉर द पैरेलल पोलराइजेशन और वर्टिकल पोलराइजेशन. नाउ इसी से हम लोग ट्रांसमिशन कोफिशिएंट निकालेंगे, सिंपली 1 प्लस दिस इक्वेशन. So you will be getting 2 under root epsilon 2 cos theta 1 upon under root epsilon 2 cos theta 1 plus under root epsilon 1 cos theta 2. This is the transmission coefficient for the parallel polarization case. Okay. इसके बाद एक आता है कि this was all about dielectric case. Dielectric में एक normal incidence हो गया, एक oblique incidence हो गया. ऑब्लिक इंसिडेंस के केस में आपके पास दो केसेस आ गए, एक पैरेलल पोलराइजेशन एक परपेंडिकुलर पोलराइजेशन. दोनों ही केस के लिए हम लोगों ने रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट, नॉर्मल इंसिडेंस के केस में भी हम लोगों ने ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट एंड रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट कैलकुलेट. ओके, कुछ बुक्स में ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट को रिफ्रैक्शन कोएफिशिएंट भी कहा गया, तो बहुत अलग सेम थिंग. ओके, अब आता है एक केस, बहुत छोटा सा केस आता है. व्हेन व्हाट विल हैपन व्हेन द इंटरफेसेस ऑफ डायलेक्ट्रिक कंडक्टर. अगर डायलेक्ट्रिक कंडक्टर का केस है तो उस केस में क्या होगा? कंडक्टर अदर साइड इज डायलेक्ट्रिक और मैं इंसिडेंस ले रहा हूँ नॉर्मल इंसिडेंस, ठीक है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वेव है विच इज इंटर which is incident normally to this interface where this dielectric conductor or wave of the dielectric se aa rahi hai. As we know that in the case of conductor, electric field and magnetic field inside the conductor doesn't exist. That means jo dielectric se electromagnetic wave aa rahi hogi, theek hai, wo inside transmit ki nahi hogi, totally reflect hogi. There will be no transmission in the conductor side because there is no electric field and magnetic field existence in the inside the conductor. That this shows that E jitni aapne incident wave ki utni completely reflect ho. Bas andar kya hua, direction change ho gayi. So in this case the reflection coefficient can be simply written as minus 1. भेजी थी वही वापस आ गई, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुआ. दैट मीन्स ऑल मैग्नीट्यूड ऑफ द सेम, तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है? यू विल गेट वन नेगेटिव. ये शो कर रहा है कि जो रिफ्लेक्टेड पार्ट है दैट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन. देयरफॉर द रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या होगी? माइनस वन. नाउ ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट, क्योंकि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर में पास ही नहीं हुई, इन दैट केस देयर इज नो ट्रांसमिशन. यू कैन से दैट ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट इज जीरो. ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट इज जीरो बिकॉज देयर इज नो ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इनसाइड द कंडक्टर. ओके ओके, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी यहां तक किसी को कोई डाउट? कुछ बोलता क्यों नहीं है भाई? डाउट है किसी को? ओके, अटेंडेंस के लिए कॉल कर रहा हूं.